हेलो दोस्तों, टुडेज फूड में आपका स्वागत है। गोभी की इतनी टेस्टी सब्जी, इतनी डिलीशियस सब्जी आज तक आपने कभी नहीं खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से गोभी की फ्राई सब्जी करके खाएंगे ना विद ग्रेवी के साथ, तो बहुत ही मजा आएगा। तो एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े से सब बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गोभी का एक छोटा फूल लिया, इसे अच्छे से काट कर धुल लिया और फिर एक कढ़ाई में मैंने लिया सरसों का ऑयल और जो वो गोभी के पीसेस थे उन्हें मैंने अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। मैंने यहाँ पर गोभी को बॉयल नहीं किया है, तो मैंने इसे रॉ गोभी को ही अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया है। और ये देखिए, गोभी हमारी अच्छे से गोल्डन हो गई, मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से, तो मतलब 50% गोभी इसमें पक चुकी है। अब जो ऑयल हमारा बचा है उसी में मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले हैं, जैसे तेज पत्ता, खड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक चम्मच से भी कम जीरा। और फिर मैंने यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और दो लाल मिर्च का पेस्ट बना लिया और दो हरी मिर्च का, और इसको डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब हमारा मसाला अच्छे से भून गया तो इसमें मैंने डाले हैं सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ी देर तक, मतलब 2-3 मिनट अब भून लेंगे। और ये देखिए, जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा, यहाँ पर मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, इसे भी मैं डाल दूँगी। अब हम इसे खूब अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला साइड से ऑयल ना छोड़ ले लगे। और फिर मैंने यहाँ पर डाला है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग और इन सबको अच्छे से भूनूंगी। और इसके लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। और ये देखिए 5 मिनट बाद हमारा मसाला एकदम अच्छे से पक गया है। और ये देखिए साइड साइड से ऑयल भी इसमें छूटने लगा है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए इसमें अब मैंने डाला है कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच से आसपास मैं यहाँ पर गरम मसाला डालूंगी। और ये देखिए इन सबको अच्छे से भूनूंगी। कम से कम 5 मिनट हम इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई हो तो और अच्छे से भून जाए। और फिर मैंने इसमें डाली फ्राई की हुई गोभी और इसे भी मैं इसे 5 मिनट के लिए भून लूंगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से 5 मिनट तक ये हमारी गोभी बिल्कुल भुनेगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने यहाँ पर डाला है आधा ग्लास के आसपास पानी। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ग्रेवी करी हूँ। और फिर अब हम इसे ढक देंगे। और ये देखिए 10 मिनट बाद हमारी गोभी एकदम अच्छे से पक गई है। और यहाँ पर मैंने हरे मिर्च और हरे धनिया से इसे गार्निश कर दिया है। और फिर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मेरी टेस्टी सी गोभी फ्राई बिल्कुल तैयार है। आप इसे राइस, नान, चपाती किसी के साथ भी खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको गोभी फ्राई बहुत अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खाओ पियो मौज करो।